अच्छा ढंग से पढ़ा रहा है। तो हमने 40 बच्चे को ही एक बैच में रखते हैं, हिंदी मीडियम को 40 बच्चे, इंग्लिश मीडियम में 40 बच्चे। बच्चों को बिहार के बच्चे जो है दिल्ली में बाहर में नहीं जा पा रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं बाकी उनके पास आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, पटना में नहीं रह सकते, उसके लिए आप लोग मदद करें और इसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। अभियान 40 का पहला उद्देश्य यही है कि यहाँ से जो बुद्धिजीवी बच्चे जो हैं देहात के गांव के, उनका पलायन को रोका जाए। गरीब आदमी भी सोच सकता है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट पीटी निकालना और बेस्ट से बेस्ट मेंस निकालना। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभियान 40 ऐसा कुछ लेकर आया है जिससे बच्चों का जो सपना है वह पूरा हो सकता है। श्री अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं बिला सर से। सर, क्या कुछ फैकल्टी है इसमें ये अभियान 40 के? देखिए, हमारे यहाँ फैकल्टी जो है दिल्ली से, लखनऊ से और पटना यूनिवर्सिटी और कई जगह के फैकल्टी हम लोगों ने रखा है जो रेगुलर क्लास लेते हैं, और प्लस गेस्ट फैकल्टी में IAS IPS प्लस प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, VC रैंक का बहुत काफ़ी लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। और अभी वर्तमान में जो ऑफिसर बने हैं मेरे यहाँ से लगभग 1000 के लगभग, उन लोग भी हमारे यहाँ आके क्लास पार्ट हैं। देखिए, मेरे यहाँ ये है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी, नया पॉलिसी भी आई है जिसमें बच्चों को मात्र जो है 60 से 100 बच्चे को ही आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अच्छा ढंग से पढ़ा रहा है। तो हमने 40 बच्चे को ही एक बैच में रखते हैं, हिंदी मीडियम को 40 बच्चे, इंग्लिश मीडियम में 40 बच्चे। तो अभी हमने नया चीज़ हॉस्टल के लिए मैंने किया है, जो 200 बच्चे को हॉस्टल में रखेंगे, जो AC ST OBC एंड जेंडर कैटेगरी और EWE का बच्चे होंगे, जो मेगा सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर हम उनको चयन करेंगे। चयन के बाद उनके जो टॉप करेंगे उनको हम लोगों ने, स्थापना दिवस हमारा दिसंबर में पड़ना, दिसंबर को आ रहे हैं, उस समय हम लोगों ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें उन लोगों टॉप मोस्ट का बच्चों को, माता को और पिता को दोनों को हम सम्मानित करेंगे जी। ठीक है, ये हमारा निर्णय है। और उन बच्चों को फिर हॉस्टल में गर्ल अलग होगा और बॉय अलग होगा, और उन लोगों को रखने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था सारी चीज़ देंगे, और उनको हर प्रतिदिन हमारे फैकल्टी जो कमेटी हो गए वो जाके निरीक्षण और 1 घंटे का मोटिवेशन बताएंगे, तो मार्गदर्शन देंगे कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना। ये निःशुल्क होगा, निःशुल्क होगा। सुनिए, ये हम लोगों ने जितने भी पास हुए हैं, जितने भी हमारे साथ जुटे हुए हैं, उन लोगों से हमने डोनेशन मांगा है, और बहुत लोगों से, कंपनी से, कई लोगों से मैंने कहा है कि आप लोग हमको मदद करें, जिससे बच्चों को, बिहार के बच्चे जो है दिल्ली में बाहर में नहीं जा पा रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं बाकी उनके पास आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, पटना में नहीं रह सकते, उसके लिए आप लोग मदद करें और इसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। ये कंकड़बाग में है हमारा, होगा हिंदी में, पटना में। सिर्फ बिहार का बच्चों के लिए जो हमारा सपना था पहले से कि बिहार के बच्चे जो अदर स्टेट में जा रहे हैं उनको रोका जाए बिहार में। बच्चे कैसे आवेदन करेंगे? उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारा है, जिसका वेबसाइट है gbrdf.org। वो खोल इसके इस सोच के पीछे ये था कि देखिए, जो गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये इसी सोच पर था या है, इसकी मेन मिशन विजन दोनों यही है कि बिहार के बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। यहाँ गरीबी है, विभिन्न प्रकार का पिछड़ापन है, तो ये बच्चे अगर सजग भी है, थोड़ी पढ़ने में अच्छे भी हैं, लेकिन जिस माहौल में बाहर से निकल नहीं पा रहा है, कारण क्या भाई, पिताजी कहीं मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उस बच्चे की इच्छा है। मैं कल आपको बताता हूँ, एक बच्ची, एक गरीब गांव देहात की बच्ची थी, हम 6th क्लास में, तुम क्या बनना चाहती हो? IPS बनना चाहती हूँ। मतलब उसका कॉन्फिडेंस, और जो गार्जियन मतलब गांव दे, हम IPS बनना चाहते हैं, क्यों? तो फलाना IPS को नाम बताया, उसी इलाके में हुआ है, उनका हम देखते हैं रुतबा और काम, हम वही पढ़ के बनेंगे। तो इंस्पिरेशन है, लेकिन अब उसको पाइप नहीं है। तो हम चाहते हैं ऐसे बच्चे जो कि ग्रेजुएट कर चुके गांव देहात में, हम तो एक छोटी बच्ची कहानी का आपको, उनको हम लाएं, उनमें प्रतिभा है, उनको निखार दें। तो ये एक बड़े अभियान के रूप में अभियान चलाना, 1 साल हम 200, अगले साल हम 200 ले पाएंगे नहीं पाएंगे फिर विचार करेंगे, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर, लेकिन हॉस्टल चलते रहेगा, 100 लड़के 100 लड़कियों को लाकर,
हम चाहते हैं कि देखें बिहार में कितना परिवर्तन लाए। एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम लोग खुद सब रिलाइज कर रहे हैं, ये विलास जी चेयरमैन ये भी कर रहे हैं हम लोग कि भाई करने का छाना है, लेकिन यह उससे कम नहीं कि जो विद्यार्थी को सफल होना है उसकी तैयारी, उससे कम तैयारी प्रशासन को यहाँ नहीं करनी है। लेकिन हमको लगता है कि लग जाने से सब होता है, हो जाएगा। अभियान 40 का पहला उद्देश्य यही है कि यहाँ से जो बुद्धिजीवी बच्चे जो हैं देहात के गांव के, उनका पलायन को रोका जाए। पलायन को रोकने का ये अभियान है, क्योंकि यहाँ के लड़के दिल्ली जा कर के जिनमें कोई सामर्थ्यता नहीं है, आर्थिक सहायता नहीं कहीं से मिल रही है, वो भी दिल्ली जा कर के अपने को सुसाइड करते हैं आर्थिक अभाव में। तो उनको रोकने के लिए, इस सबसे उनको बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया है कि बिहार के लड़के मेधावी हैं, और अभी तक आंकड़ा है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस बिहार ने दिया है। इसी ध्यान को रखते हुए अभियान 40 ने यह कदम उठाया है, इसलिए बिहार के लड़के बिहार में रहें, उनको यदि आर्थिक तंगी है तो उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और उनके मेधा को बचा करके बिहार की उन्नति किया जाए। हाँ, तो जो आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं उनको तो पहले जानकारी ही नहीं होती कि क्या करना है उनको, है ना। जैसे बहुत लोग हो सकता है कि बीपीएससी या यूपीएससी का नाम ही बहुत बाद में सुनते हो, है ना, जबकि उनको जानना चाहिए शुरू से, क्लासेस के लेवल से ही जानना चाहिए। तो अभियान 40 यही करवा रहा है इसी तरह से काम, कि जागृति समय पैदा हो, सब लोग जाने कि ये सिस्टम है, इसमें क्या होता है, कैसे कौन कौन लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं, और ये बच्चे इसमें कर सकते हैं कि नहीं। जब उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हम भी इसमें कर सकते हैं तो लोग आएंगे निश्चित तौर पे। जब आप लोग हाँ गरीब ये सोच के नहीं बैठ जाएगा हाथ पर जो रख के कि नहीं हमको तो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है या हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा गरीब आदमी भी सोच सकता है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट पीटी निकालना और बेस्ट से बेस्ट मेंस निकालना, ये दोनों का एम है, और यह मैगजीन जो है उन लड़कों के लिए एक धरोहर के रूप में साबित हो रहा है कि यहाँ जो आईएएस हैं अभी वर्किंग वो भी आते हैं क्लास लेने के लिए, आईआरएस और ये आईपीएस ये सब लोग भी यहाँ क्लास लेते हैं। ऐसा आप किसी जो इंस्टीट्यूट में आप नहीं देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे मार्गदर्शन होगा या बिल्कुल क्लास बिल्कुल सी सेट वगैरह का क्लास लेने के लिए लोग आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो क्लास वन क्लास टू ऑफिसर्स हैं सेंट्रल और स्टेट के। जो बच्चे आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए अभियान 40 बहुत अच्छा मौका लेकर आया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका भागीदार बन करके अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।